का कलर फाइनल करने किसी शॉप पे, देखते हैं कहाँ पे हमें रैप मिल सकता है। तो भाई साहब सारे नीचे कमेंट करो कि आप किस कलर में हमारा रैप देखना चाहते हो। तो उसके टायर देखो, मुझे लगता है कि बॉडी से कितने बाहर है टायर। मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ तो उसके चक्कर में थोड़ा गले। तो भाई साहब आज बहुत दिन बाद आ चुके हैं हम अपनी 700 के अंदर। आज बहुत अच्छा जो इसके दरवाजे इन्होंने उतरवा दिए हैं, और साथ ही साथ ही जैसे तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो एक और व्लॉग में। आज फिलहाल व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी गाड़ी से वॉश करते हुए, क्योंकि गंदी होती है ना गाड़ी तो मन नहीं करता है गाड़ी में बैठने का। तो सबसे पहले गाड़ी वॉश कराते हैं, फिर आज कुछ प्लान नहीं है तो आज आपको अनस्क्रिप्टेड डे इन SUV's लाइफ दिखाएंगे। तो लेट्स रोल। सब अभी ऊपर से जा रही है ट्रेन, और कहा जाता है कि एक चलती हुई ट्रेन के नीचे कोई विश मांगो तो पूरी होती है, तो विश मांग लेते हैं। बट आप लोगों के रिलेटेड ही मांगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारा काम आपको ऑथेंटिक कंटेंट दिखाना है। तो ये फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी जो स्कॉर्पियो है उसका रैप का कलर फाइनल करने किसी शॉप पे, देखते हैं कहाँ पे हमें रैप मिल सकता है। बाकी उसके लिए भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन से कलर में चाहते हो अपनी गैंगस्टर या जो भी आप स्कॉर्पियो का नाम रखोगे वो वाली स्कॉर्पियो देखना किस कलर में, क्योंकि उसी कलर में हम उसको रैप करेंगे। अगर आप वो मेरे पे छोड़ते हो तो फिर मैं आपको सरप्राइज करूंगा लास्ट में। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी पसंद से हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता दो। अभी पहुंच गए थे त्रिकुटा नगर, सबसे पहले हमारे किलर भाई से मिलते। किलर भाई क्या हाल है, ठीक हो? स्कॉर्पियो से क्या उम्मीद है आपकी? बहुत कुछ। कितनी? बहुत। ओनली वन इन इंडिया? पक्का? कराओगे ऐसा कुछ? करेंगे ना भाई। चलो तो भाई साहब अभी फिलहाल एक रैप का इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया है। ओके तो आप क्या बोलते हो गाइस, कैसी लगेगी अपनी ग्लॉसी ब्लैक में गाड़ी? खुद आपने नीचे कमेंट में बताना है, बाकी देखते हैं एक बार कैसी लगती है। अक्षय भैया अगर दूसरा कलर मंगवाना हो जैसे जो लोग नीचे कमेंट करेंगे वो भी आ जाएगा। तो भाई साहब सारे नीचे कमेंट करो कि आप किस कलर में हमारा रैप देखना चाहते हो, तो फिर हम आपको अपडेट करेंगे। अब अभी एक ऑप्शन तो हमने बताया आपको ये वाला, बाकी अक्षय भैया जो भी रैप ये लोग बताएंगे वो आपने जल्दी से जल्दी मंगवा देना है। तो बताएंगे उसके नेक्स्ट रैप का। तो भाई साहब अब आपने कमेंट में बताना है कि आप कौन सा रैप देखना चाहते हो। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है तो हमारे किलर भैया कहीं तैयार होके कहाँ जा रहा हूँ भैया, आपके साथ ही जा रहा हूँ, कहाँ चलना है बताओ। चले पक्का? चलो चलो भाई साहब। अभी फिलहाल अपना जो रैप है उसका जो हमने सारा जो डिटेल्स था वो लोग अभी हम मतलब हम अपना कैटलॉग लेके आ गए। मीनवाइल आप भी अपना जो सजेशन होगा वो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे। और आज की वीडियो का तो यही मेन पॉइंट है कि मतलब हमने ना अपनी गाड़ी का रैप डिसाइड करना है, तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही करेंगे। खैर चलते हैं भाई अभी नेक्स्ट लोकेशन पे, अभी आज कुछ प्लान नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था, तो फिर आपको दिखाते हैं सीन्स आगे के। सब अभी देखो यहाँ पे वेदर कितना प्यारा हो रखा है यार, कितना प्यारा हो रखा है यहाँ से देखो। अभी बस हम भी कहीं जाते, बट हमारी किस साढ़े लेखा च कचेरियाँ क्या हो गया ना थाने दी कही है ना कचेरियाँ वही मतलब। तो भाई हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है शायद, चलो क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं क्या साढ़े लेखा च क्या नरवाल एंड पेट्रोल पंप साढ़े लेखा च नरवाल एंड पेट्रोल पंप। सब आपने बड़ी चीजें देखी होंगी बट क्या आपने टोयोटा का ट्रक देखा है कभी? वो भी इंडिया में देखा है? ये देखो इस भाई ने तो चश्मे भी खोल लिए। ये कब हुआ? टोयोटा है भाई टोयोटा, रुको मैं लेंस शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। टोयोटा ट्रकोमा है ये। सारे कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है आपको ट्रकोमा। भाई साहब अभी हम आज चिल्ली कर रहे थे तो इतने में हमने आगे देखा एक ऑल्टो जा रही है। भाई इसके टायर देखो, मुझे लगता है कि बॉडी से कितने बाहर है टायर, मतलब बॉडी के अंदर है ही नहीं टायर। फेंडर फ्लेयर भी लगाए भाई ने, ऊपर ये रेसिंग स्पॉइलर भी है, नीचे डुअल एग्जॉस्ट है, एक शायद फेक है उसमें से। और मतलब यार देखो यार शौक का कोई वो नहीं होता, बाकी चेकआउट करो। तो भाई साहब अभी हम लोग नेस्कैफे आ चुके थे और हमारे हमारे पर भाई ने एक बड़ा गिला शिकवा हमसे जाहिर किया है कि हम इनका इंट्रोडक्शन नहीं लेते। तो आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमारे पर्व सेठी, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है perv54। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो हमारे साथ ये जो पुलकित भाई हैं कोई गेमें शेमें खेल रहे हैं। इनको मैंने पहले भी मना किया गेमें खेलने के लिए बट नहीं मानते मेरी बात। तो भाई आज फिलहाल क्या है कि हम लोग ना मतलब मैं थोड़ा बीमार हो गया हूँ
तो उसके चक्कर में थोड़ा गले में भी गड़बड़ है, तो इसी चक्कर में अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी लेने, थोड़ा गर्म गर्म लगेगा थ्रोट को, तो मे बी इट विल फील बेटर। बाकी भाई आज के व्लॉग में आपको अपडेट देंगे, कल आपने देखा कि हमने स्कॉर्पियो का जो रैप है वहाँ पे गए फाइनल करने के लिए। तो भाई अभी फ़िलहाल हमारी बात चल रही है स्कॉर्पियो के गेयर बॉक्स के लिए। एक्चुअली इसमें ना 4x4 ट्रांसमिशन लगाना है, उसके लिए पूरा गेयर बॉक्स ही हमें लेना पड़ेगा। तो खैर अभी उससे इन बिटवीन टॉक्स ही है, अभी आपको कुछ अपडेट नहीं कर सकते। बाकी भाई अभी कॉफ़ी वॉफी पी लेते हैं, फिर उसके बाद सीन दिखाते हैं क्या है। तो चलो नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। और भाई nice कलर कौन सा कहाँ है? अच्छा वो Q2 का Q2 वेरी क्यू टू भाई देख सकते हैं Q2, ये 40 लाख की होगी Q2। ये महंगा Q2 है भाई। और ये Q2 करते करते भाई हमारी एड ब्लू की लाइट भी आ चुकी है, तो ये घर पे ही है हमारे एड ब्लू, वो उसको हम फिलअप कर लेंगे कहीं पे। पहले कॉफ़ी ले ले, पीता तो था नहीं मैं कॉफ़ी, इसने आदत डाल दी। बट खैर इसने नहीं, ध्रुव भाई ने मेन हमारा काम खराब किया है। अभी मुझे याद आया, अभी पता नहीं खुद गाए गायब हुए हुए हमें वो देखे। तो भाई साहब अभी कॉफ़ी वगैरह ले ली है, हमारे पुलकित भाई भी हमारे साथ हैं, और आज आपको दिखानी है एक बड़ी अच्छी सी गाड़ी, एकदम से प्लान बन गया। वो एक्चुअली आपने हमारे चैनल पे पहले भी देख चुके हैं, वो आप मनप्रीत भाई की गाड़ी, बट आज उन्होंने ना जो एक डिफरेंट चीज़ कर दी है वो आपको दिखाते हैं कैसा रहता है सीन्स। अब चलो सीधा चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, एक्चुअली वो हमारे घर के पास ही है, तो सीधा वहाँ पर चलते हैं और फिर आपको सीन्स दिखाते हैं। तो भाई साहब ये चेकआउट करो, ये हमारे MS पावर भाई ने क्या मास्टरपीस बना लिया है यार, मतलब इतनी सही गाड़ी है ना। अब इनको किसी अच्छी सी लोकेशन पे लेके चलते हैं, फिर इनका फुल रिव्यू करते हैं। तो भाई साहब फिलहाल हमारे पास MS पावर भाई आ चुके हैं, मनप्रीत भाई इनका असली नाम है, तो सारे जाके ना इनके YouTube चैनल को फॉलो करो। और क्या नाम है भी आपके YouTube चैनल का? MS पावर। तो भाई साहब अभी फिलहाल इनको जो हमारी थार है, क्योंकि इन्होंने ना बम्पर अपग्रेड करना है, तो एक बार इनको ये वाली थार भी दिखा देते हैं, अपनी भी दिखा देते हैं, गुलाब भाई की भी दिखा देते हैं। गुलाब भाई वाले देखिए आपने कभी? फोटोज में देखिए। चलो आओ दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब अभी यहाँ पे इसका जो टायर था उसमें थोड़ी हवा कम थी, तो सेल्फ सस्टेन गाड़ी आप देख सकते हो, तो अभी इसको हम हवा भर लेते हैं। एक साइड से बैठ गया था थोड़ा, तो ये है। तो भाई साहब अभी इनका रिव्यू चल रहा था, जो दिखेगा आपको हमारे मनप्रीत भाई के चैनल में। अभी अपनी गाड़ी इन्होंने बहुत मस्त तरीके से तैयार की है, अभी इसको ले चलेंगे कोई अच्छी सी लोकेशन पे। आज 700 को भी बहुत दिन बाद ले जाएंगे। तो भाई साहब अभी चलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी लोकेशन पे, और फिर आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। चलें भाई चलो। तो भाई साहब आज बहुत दिन बाद आ चुके हैं हम अपनी 700 के अंदर, आज बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, बट देखते हैं क्या सीन्स बनते हैं। अच्छा ये रिचुअल हमने डिक्की वाला कर दिया। तो भाई साहब ये भी बोल रहा हूँ कि ऊपर से इतनी गर्मी आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। एनीवे भाई चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और फिर आपको सीन्स दिखाएंगे आगे के। तो भाई साहब ये देखो आगे जा रही है अपने MS भाई की गाड़ी, यार देखो कितनी सही लग रही है, मतलब यार डिफरेंट किया है इन्होंने कुछ, तो मतलब जम्मू में तो ये नहीं है भाई, कुछ नया ही किया इन्होंने। बाकी खैर इसको कोई अच्छी सी लोकेशन पे ले चलते हैं, फिर हम करवाते हैं इसका प्रॉपर रिव्यू। एंड साथ साथ मेरा जो हिमाचली भाई है बिल्कुल ओवरहीट हो गया भाई साहब, इनको टेलब्रोस का कूलेंट डालना पड़ेगा। भाई साहब अभी ले रहे हैं हम टेस्ट ड्राइव अपने मनप्रीत भाई की गाड़ी की, देखते हैं क्या फील आती है यार बिना दरवाजों के, तो मतलब नेक्स्ट लेवल फील है, और ओपन ओपन सा लगता है, मतलब हमारी गाड़ी में ना कंस्ट्रेंट फील होता है, मगर इसमें ओपन ओपन फील होता है। तो भाई साहब उल्कित ऑफ रोड के लिए सही गाड़ी है, जितनी फिल्मिंग के लिए भी बड़ी चीज़, जल्दी उतर सकते हैं, जल्दी उतर सकते हैं। तो भाई साहब अभी लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव और अभी देखते हैं क्या सीन मिलते हैं। कोल्ड स्टार्ट तो नहीं वैसे, ओके ओल्ड स्कूल भाई, इसकी आवाज वैसी नहीं है ना, इसकी आवाज में शायद कैट लगा हुआ है। सीट बेल्ट लगा लें, दरवाजा नहीं है। ये लो भाई साहब अभी फिलहाल इसको लेके जा रहे हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे, यहाँ सब्वे वाली लोकेशन पे, यहाँ पे आपको इस गाड़ी का थ्रू आउट पूरा का पूरा रिव्यू देंगे। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लग रहा है।
तो भाई साहब अभी फिलहाल इसको ले आए थे एक प्यारी सी लोकेशन में, तो मैं आपको इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड भी दे देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मॉडल्स के बारे में। सबसे आपने ये गाड़ी पहले तो देखी हुई है हमारे ऑफ रोड पे, हमारे चैनल पे भी। तो यार ये इसमें सबसे पहले लगाई हुई है ग्रिल, और ये वाली ग्रिल ना मैंने बहुत कम देखी है। इसमें शायद वो एंग्री बर्ड जैसा नहीं है, बट वो बर्ड टाइप के वो बने हुए। बाकी जो ये हेडलाइट्स हैं इसके ऊपर जो ग्लास का वो कवर होता है वो गिर चुका है, तो बाकी आप देख सकते हो। बाकी बम्पर है इसमें, ये सब तो आपने देखा हुआ है। तो मेन इसके अट्रैक्शन पे आते हैं, जो इसके दरवाजे इन्होंने उतरवा दिए हैं, और साथ ही साथ ही जैसे क्या बोलेंगे इसको, ड्यून बगी, जैसे ड्यून बगी होती है ना वैसे पूरा का पूरा तरपाल से इन्होंने यहाँ पे पीछे अपना ये बनवा लिया है। इसके अंदर रोल केज, इसके अंदर पाइप, तो ये सॉर्ट ऑफ रोल केज जैसा बिहेव करेगा। बाकी यार इसकी स्टेपनी की जो प्लेसमेंट है वो सबसे यूनिक है, आप देख सकते हो ऊपर है। तो बाकी यार अंदर से चला के तो बहुत मज़ा आ गया। आपने इसका ब्लो ऑफ वेल्व की आवाज़ सुनी, वो कितनी ज़्यादा इन्हेंस्ड आ रही थी, क्योंकि दरवाजे खोले हैं तो इंसुलेशन नहीं है। बाकी रेयर बम्पर है, ये है चेसी पे माउंटेड, यहाँ से ये मोटे मोटे एंगल्स हैं वो जा रहे हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे ये है। तो भाई साहब ये बिल्कुल भी नहीं खड़कता इतना हैवी टायर होने के बावजूद, तो यहाँ से उतारेगा कौन इसको? जिम वाला बंदा लाएंगे कोई, और उतार के चढ़ाना भी है वापस, तो भाई साहब वो देख सकते हो आप। बाकी भाई इसमें भी हैं अरीवो के लाइन बैग, वन ऑफ द बेस्ट टायर्स हैं अवेलेबल जो मार्केट में, हम भी यही यूज़ कर रहे हैं। हमने भी MS बाइक की गाड़ी में देखे थे, और वहाँ से हमने बोला कि नहीं हम भी यही डलवाएंगे, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम आए थे ना इनकी गाड़ी बहुत सिंपल येट एलिगेंट लग रही थी। बाकी भाई यही है इसका ओवरऑल व्यू, अभी इन्होंने और भी बहुत कुछ कराना है। बाकी मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने दो चीज़ें करनी है, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में आपको गाड़ी कैसी लग रही है, और आपने जाके मनप्रीत भाई के चैनल को भी फॉलो कर लेना है। और उनके चैनल का नाम क्या है? MS पॉपर। तो भाई साहब ये देखो यार, इतने शौकीन बंदे इन्होंने अपनी गाड़ी पर करवाया हुआ है। एनीवे यहाँ पे अब छोटा मोटा देखते हैं कि ऑफ रोड, तो वैसे कल लेना ऑफ रोड, बट ये वीडियो आपको प्रॉब्ली ऑफ रोड के बाद दिख रही होगी, तो छोटा मोटा देखते हैं कोई ऑब्स्टिकल करते हैं, फिर आपको सीन्स दिखाते हैं। भाई साहब ये छोटा सा ऑब्स्टिकल है जो आपको दोनों गाड़ियों से बैक टू बैक करके दिखाएंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिख जाएगा तो परफॉर्मेंस का। बाकी चलो बहुत ईजीली कर लिया। तो भाई साहब अभी छोटा सा एक ऑब्स्टिकल आपको हमने करके दिखाया, बाकी ये रही अपनी गाड़ी। तो यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि कल मेन मेजर ऑफ रोड है। ये वीडियो आपको शायद ऑफ रोड के बाद दिख रही होगी, बट कल वाले ऑफ रोड के लिए हम अपनी गाड़ियों को अब्यूज़ नहीं करना चाहते। बाकी चलते हैं भाई अब लोग बाहर वाली लोकेशन पे कुछ खाते पीते हैं, और फिर वहां से आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं।